Students, in the previous lecture we have already discussed about the mechanism of the protozoa. Protozoa भी किस तरह से वो हमारी body में enter करता है और किस तरह से वो act करता है, और हमने classification पढ़ी थी. जो हमारी classification थी, जो सबसे पहले tissue amoebocytes, उसमें हमने जो सबसे पहले जो हमारी ड्रग थी जिसमें nitrometazole थी, उसमें सबसे पहली ड्रग हम जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, दैट इज metronidazole. ये हमारी पहली एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. अब आपको पता है ये क्या है, ये किसमें, जो आपने क्लासिफिकेशन की थी लास्ट टाइम, उसमें हमने पढ़ा था कि ये टिश्यू अमीबोसाइट्स है, उसकी क्लास की, उसकी कैटेगरी की ड्रग है, जिसमें जो उसके सब, ये किस पे एक्ट करती है ये भी आपको बताया था. इसका साइट ऑफ एक्शन क्या है कि जो इंटेस्टिनल है और एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल है अमीबोसाइट, अमीबियसिस होती है, उन पे वो एक्ट करती है उनको डिजीज को ट्रीट करने के लिए, चाहे वो इंटेस्टाइन में हो या फिर एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल हो या फिर इंटेस्टाइन के सर्फेस पे हो. तो मेट्रोनिडाजोल की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो अमीबियसिस है उसको ट्रीट करने में. अमीबियसिस आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये वो ड्रग है जो क्या करती है, अमीबियसिस एक डिजीज है जो जब भी जो इन्फेक्शन कॉज करती है लीवर और इंटेस्टाइन की, बाय द जो किसके कारण होती है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण. ये क्या है, एक तरह से प्रोटोटाइप है, इट इज अ प्रोटोटाइप ऑफ नाइट्रोमिडाजोल. नाइट्रोइमिडाजोल का प्रोटोटाइप का मतलब क्या होगा, यानी ये नाइट्रोइमिडाजोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर बात करें इसकी डिटेल स्टडी की, हम इसमें डिटेल स्टडी में पढ़ेंगे कि ये एक्चुअली होता क्या है, किस तरह से जो मैक्रोइमिडाजोल मैक ऑफ एक्शन क्या होता है, जिससे जो हमारा जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो सिस्ट की फॉर्म में है या फिर ट्रोफोजाइट्स की फॉर्म में, उसको कैसे किल करता है वो पढ़ेंगे. और इसमें क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन, किस तरह के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं क्या इस मेट्रोनिडाजोल के, और किस तरह से ये ड्रग्स के साथ किसी के साथ इंटरेक्ट करके कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट्स जो नहीं शो करता बॉडी में, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि किस केसेस में इसको नहीं दिया जाना चाहिए मेट्रोनिडाजोल को, और इसके थेरेप्यूटिक यूजेस क्या है, ये हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ प्रोटोटाइप ऑफ नाइट्रोइमिडाजोल. प्रोटोटाइप का मतलब है ये इसको रिप्रेजेंट करता है नाइट्रोइमिडाजोल के ग्रुप को. सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था 1959 में. तो सबसे पहले इसमें यही देखा गया था कि ये जो ट्राइकोमोनियासिस डिजीज है, ट्राइकोमोनियासिस डिजीज में यूज किया जाता है. ट्राइकोमोनियासिस जो डिजीज होती है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो किसके कारण होती है, जो एक प्रोटोजोआ के कारण ही होती है, जिसका नाम होता है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, उसके कारण होती है. लेकिन कुछ टाइम बाद ये आइडेंटिफाई किया गया कि इसके अंदर जो एंटी अमीबिक क्वालिटी भी है, एंटी अमीबिक पोटेंसी भी है, जो अमीबा को किल करने में हेल्पफुल है, तो ये डिटेक्ट किया गया. तो ये क्या करती है, इट किल्स ट्रोफोजोइट्स. जो ट्रोफोजोइट्स है उसको किल कर देती है. किल करना, इट मींस ये क्या है, अमीबिसाइडल है. हम इसको ये कह सकते हैं, इट इज अ अमीबिसाइडल. देखो आपको पता है साइडल, साइडल मींस किल करना, अमीबी मींस अमीबा, यानी ये ट्रोफोजाइट क्या है, अमीबा ही है, उसको किल करने के काम आती है. क्योंकि जो ट्रोफोजाइट होता है ना, वो क्या करता है, हमारी बॉडी में जाके मैच्योर होता है. क्योंकि हमारी बॉडी में क्या करता है वो, हमारी बॉडी को होस्ट की तरह यूज करते हैं, हम होस्ट हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स लेता है ताकि वो सर्वाइव कर सके, रह सके. और इस जो मेट्रोनिडाजोल है वो क्या करती है, जो ट्रोफोजाइट है ना उसको ही किल कर देती है, चाहे वो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल हो चाहे वो इंट्रा इंटेस्टिनल हो, क्योंकि ये उसी कैटेगरी से बिलोंग करता है.
और किस में हेल्प करता है? इट कैन ऑल्सो इनहिबिट द जो मतलब कि कुछ ये बहुत तरह के जो वाइड बैक्टीरिया है, वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इफेक्टिव अगेंस्ट द वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, इफेक्टिव अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया की रेंज, अब इसमें जो बैक्टीरिया है ओनली एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए ये सेंसिटिव है। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया सिर्फ कंडीशन ये है कि बैक्टीरिया एनारोबिक होना चाहिए। एनारोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि सर्वाइव करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हर इस टाइप के बैक्टीरिया पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, एक्सेप्ट ये एरोबिक बैक्टीरिया के ऊपर इतना इफेक्टिव नहीं होता। और ये किसको हेल्प हुई है? इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू इनहिबिट द ट्राइकोमोनास वैजिनालिस। ट्राइकोमोनास वैजिनालिस क्या होता है? ये वो बैक्टीरिया, ये वो प्रोटोजोआ है जो कि ट्राइकोमोनियसिस डिजीज कॉज करता है, जो कि एक तरह की इन्फेक्शियस डिजीज है, उसको भी इनहिबिट करता है। और जैसे जियार्डिया लैम्बलिया एक ऑल्सो, इट इज ऑल्सो अ प्रोटोजोआ, उसको भी इनहिबिट करता है, जो कि डायरिया कॉज करता है और मल अब्सॉर्प्शन कर देता है, हमारे इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स कॉज करता है। एंड बेलिटोडियम कोलाई, इस तरह के कुछ प्रोटोजोआ है उनको इनहिबिट कर देता है, इसका मेन काम ये है। अब हम बात करें इसके मैकेनिज्म की, मेट्रोनिडाजोल के मैकेनिज्म की, कि ये एक्ट कैसे करता है, मैकेनिज्म कैसे काम करता है। अब देखो जो मेट्रोनिडाजोल है ये एक तरह की, सबसे पहले आपको बताया कि ये प्रोटोटाइप है, ये प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग से आप क्या समझते हैं? प्रोड्रग मींस जो कि इनिशियली जब आपने ओरल रूट के थ्रू अंदर उसको लिया है, ओरल रूट के थ्रू आपने एडमिनिस्टर किया है उस ड्रग को, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन जब वो मेटाबॉलिज्म होता है, आफ्टर मेटाबॉलिज्म, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है मेट्रोनिडाजोल। उसके बाद वो जो अमीबा है उसको किल करता है और हमारी डिजीज को सही करता है। तो ये प्रोटोटाइप है, सबसे पहला तो ये प्रोटोटाइप है। एंड इट इज ऑल्सो ससेप्टेबल टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ससेप्टेबल है? एनारोबिक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के लिए। इसमें क्या है, नाइट्रो ग्रुप होता है इमिडाजोल, नाइट्रो ग्रुप ऑफ इमिडाजोल, नाइट्रो ग्रुप ऑफ इमिडाजोल। ये जो इमिडाजोल का नाइट्रो ग्रुप है इसको क्या करता है, ये एंजाइम की हेल्प से, एंजाइम मींस इसमें नाइट्रो रिडक्टेज, नाइट्रो रिडक्टेज, अब टेज आ गया, टेज मींस एंजाइम, रिडक्शन रिड्यूस करता है, रिड्यूस करता है किसको, नाइट्रो ग्रुप को। जो इमिडाजोल होता है ना, मेट्रोनिडाजोल, सॉरी ये यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल आएगा, मैंने इमिडाजोल लिख दिया, मेट्रोनिडाजोल, नाइट्रो ग्रुप होता है ना मेट्रोनिडाजोल में, आपने जो केमिस्ट्री है उसमें पढ़ोगे, इसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे, उसमें नाइट्रो ग्रुप होता है मेट्रोनिडाजोल में। इसमें नाइट्रो रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से ये किस में कन्वर्ट कर देता है इसको, साइटोटॉक्सिक डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर देता है, साइटोटॉक्सिक डेरिवेटिव। बात करें साइटोटॉक्सिक डेरिवेटिव की, साइटो आपको पता है सेल होता है, टॉक्सिक मींस आपको पता ही है, उसमें कन्वर्ट कर देता है। अब इसमें कन्वर्ट हो गया तो ये क्या करेगा, बाइंड करेगा, बाइंड्स किसके साथ बाइंड करेगा, डीएनए के साथ, किसके डीएनए के साथ,
डेरिवेटिव था वो डीएनए प्रोटोजोआ के डीएनए के साथ बाइंड करेगा, इसमें प्रोटोजोआ क्या है एटमीबा है उसके साथ बाइंड कर गया, अब उसको क्या करेगा इनएक्टिवेशन कर देगा डीएनए, इनएक्टिवेशन ऑफ डीएनए, जो प्रोटोजोआ है उसके डीएनए को इनएक्टिवेट कर देगा। अब देखो इन डीएनए इनएक्टिवेट हो गया तो आपको पता है अलग अलग जो प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है उससे क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस होता है जो क्या कर देता है इनहिबिट इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ प्रोटोजोआ, ठीक है। अब प्रोटीन सिंथेसिस इसकी इनहिबिट कर दी तो जो इंटेस्टाइन है इसमें क्या होगा, ये हमारा इंटेस्टाइन था ना, इंटेस्टाइन अब इसमें क्या होगा जो भी वो अपनी एक्टिविटी कर रहा था वो रुक जाए खत्म हो जाएगी और वो क्या कर देगा दैट विल कॉज द डेथ ऑफ कॉज डेथ ऑफ प्रोटोजोआ और यू कैन से दैट किल कर देता है प्रोटोजोआ, ये इसका मैकोफेक्शन मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकोफेक्शन क्या है मैकेनिज्म इसका मैकोफेक्शन यही है कि इसमें नाइट्रो ग्रुप होता है मेट्रोनिडाजोल के अंदर, नाइट्रो ग्रुप इसमें एंजाइम नाइट्रो रिडक्टेज की हेल्प से वो रिड्यूस कर देता है नाइट्रो ग्रुप को, वो नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस हो गया तो नया प्रोडक्ट बन गया यानी नया डेरिवेटिव बन गया डेजर्ट साइटोटॉक्सिक डेरिवेटिव, वो बाइंड करता है जो प्रोटोजोआ है ना उसके डीएनए के साथ बाइंड करके उसको इनएक्टिवेट कर देता है। अब देखो इनएक्टिवेट कर देगा तो ये सारी प्रोसेस सारी की सारी प्रोसेस खत्म हो गई क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा आगे मल्टीप्लाई नहीं करके क्योंकि प्रोटीन आपको पता है आपने बायोकेमिस्ट्री में भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि ये एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक होगा, ये ही नहीं होगा प्रोटीन तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, इंटेस्टाइन में जाएगा जिसमें ये सारी प्रोसेस हो रही थी, उस प्रोसेस में फिर क्या होगा ये प्रोसेस हो रही थी ये क्या जो प्रोटोजोआ है उसकी डेथ कॉज कर देगा तो ये इसका मैकोफेक्शन है। उसके बाद बात करें अगर इसकी एडवर्स रिएक्शन, एडवर्स रिएक्शन की बात करें किस तरह के साइड इफेक्ट्स, एडवर्स रिएक्शन में हम कह सकते हैं साइड इफेक्ट्स किस तरह के शो करता है, क्या मेट्रोनिडाजोल का कोई साइड इफेक्ट भी होता है, तो साइड इफेक्ट्स में इसमें जो कॉमन साइड इफेक्ट है दैट इज कोई सीवियर साइड इफेक्ट्स तो होते नहीं है, एडवर्स रिएक्शन अब इसमें कोई ज्यादा सीवियर साइड इफेक्ट नहीं होते जो बहुत ज्यादा डेंजरस हो, जो ज्यादा मोस्टली जो कॉमन साइड इफेक्ट है दैट इज एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया एनोरेक्सिया क्या होता है जिसमें भूख थोड़ी कम लगने लग जाती है एनोरेक्सिया, और इसमें जैसे नोजिया, नोजिया में क्या होता है मोस्टली फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, नोजिया में वॉमिट नहीं आती लेकिन वैसे फीलिंग आ जाती है, और मेटालिक टेस्ट ऑफ माउथ, माउथ हमें मेटालिक जैसे मेटल नहीं होता उस तरह का टेस्ट फील होने लग जाता है, उस तरह का टेस्ट फील होने लग, या फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स में क्रैम्प्स का क्या मतलब होता है, क्रैम्प्स मतलब कि एब्डोमिन के अंदर क्रैम्प्स पेन होना और ऐंठन होनी, जैसे कभी गीला कपड़ा उसको निचोड़ते हैं वो ऐंठ जाता है वैसे क्रैम्प्स पड़ने ऐंठन होनी, और बहुत ही जो बहुत कम फ्रीक्वेंट है ये तो बहुत मोस्ट कॉमनली ये सब होता है, जो बहुत रेयर होते हैं दैट इज हेडेक हो गया, ग्लोसाइट्स हो गया, ग्लोसाइट्स क्या होता है इसमें जो हमारी टंग होती है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है
उसकी इन्फ्लामेशन से हमारी टंग का जो साइज है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, वो चेंज हो जाती है। अब इससे हमारा जो टंग है उससे टेस्ट भी, टेस्ट बड पे भी इफेक्ट पड़ता है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है। और ड्राइनेस ऑफ द माउथ, ये भी कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, कुछ भी इस तरह के साइड इफेक्ट शो करता है। और एक इसमें आता है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया क्या होता है? अर्टिकेरिया मीन्स जो एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करते हैं, बहुत से इस तरह से होते हैं कि स्किन में जो रिस्पॉन्स होता है वो एलर्जिक होता है, हीट और रैशेज होने लग जाते हैं स्किन के ऊपर। अगर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग यूज करो तो उसके अलग इफेक्ट्स होते हैं, हम इतना ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंट्रैक्शन। बहुत सी ऐसी ड्रग है कि हमने एक ड्रग ले रखी है, उसके साथ दूसरी ड्रग आई तो कंपटीशन बढ़ गया। अब वो तो या तो एक दूसरे के साथ मिलकर अपना उसके इफेक्ट्स को बढ़ाएंगे, या फिर वो क्या करेंगी, एक दूसरे को इफेक्ट को कंपीट करेंगी कि हाँ इसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको खराब करेंगे। इंट्रैक्शन होती है, पहले से ही हमने कुछ ले रखा है, कोई अलग से मेडिसिन ले रखी है तो किस तरह से इफेक्ट शो करती है। तो इंट्रैक्शन की बात की जाए, इंट्रैक्शन में जो डाइसल्फिराम, आपको पता है डाइसल्फिराम एक मेडिसिन होती है जो कि जो अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उनको अल्कोहल को छुड़वाने के लिए, जो ज़्यादा अल्कोहलिक होती है तो उनको डाइसल्फिराम दिया जाता है साथ साथ में। एकदम से तो कोई अल्कोहल नहीं छोड़ सकता, थोड़ी अल्कोहल भी लेते हैं लेकिन डाइसल्फिराम भी लेते हैं। लेकिन अगर कोई मेट्रोनिडाजोल ले रहा है, उसको मेट्रोनिडाजोल प्रिस्क्राइब किया गया है, तो उस मेट्रोनिडाजोल के साथ उसको जो ड्रिंकिंग है वो अवॉइड करनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं इसमें डाइसल्फिराम, अगर डाइसल्फिराम का जो पेशेंट है उसको डाइसल्फिराम दिया गया है तो उसमें इसमें मेट्रोनिडाजोल के साथ उसको ड्रिंकिंग अवॉइड करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है इसमें सिमेटिडिन। सिमेटिडिन क्या है? एक तरह का गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस करने वाली H2 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। इसमें क्या होता है, जो सिमेटिडिन क्या करती है, ये जो इसका मेटाबॉलिज्म होता है ना मेट्रोनिडाजोल का, इसका मेटाबॉलिज्म रिड्यूस कर देती है, रिड्यूस मेटाबॉलिज्म ऑफ मेट्रोनिडाजोल, इसका मेटाबॉलिज्म रिड्यूस कर देती है। इसलिए इसकी जो सिमेटिडिन है ना, इसको डोज कम करनी पड़ती है, क्योंकि इंट्रैक्शन। उसके बाद इसका अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहा जाए, भी किन केसेस में इसको नहीं दिया जाना चाहिए, दैट इज सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, उन पेशेंट्स को नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी में, क्योंकि इसमें ये फीटस के ऊपर, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें फीटस के ऊपर ये इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव स्टेज होती है। लैक्टेशन के टाइम भी अगर कोई मदर है, लैक्टेशन मतलब अपने मदर अपने बेबी को फीड करती है, मिल्क फीड करती है, तो उस टाइम भी जो बेबी है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। उस केसेस में भी मेट्रोनिडाजोल प्रिस्क्राइब नहीं की जानी चाहिए, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी का पेशेंट है उसको भी नहीं प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए। उसके बाद इसके थेरापेटिक यूज़ की बात करें, इसके यूजेस क्या है, थेरापेटिक यूजेस, थेरापेटिक यूजेस में अमीबियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, अमीबियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, पेप्टिक अल्सर में इसको दिया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है पेप्टिक अल्सर में। और इसमें जियार्डियासिस भी एक डिजीज है, इन डिजीज के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। आपको पता है ये सारी डिजीज क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कि अलग अलग प्रोटोजोआ से होती है और इन्फेक्शन कॉज करती हैं, ये सारी इन्फेक्शियस डिजीज है। अमीबियासिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ से होती है, ये ट्राइकोमोनास वैजिनालिस से होती है, एंड ये जियार्डियासिस जियार्डिया लैम्बिया से होती है, जिसमें डायरिया हो जाता है
और मैल अब्सॉर्प्शन भी होता है, प्रोटोजोआ के कारण होती है, पेप्टिक अल्सर्स में अल्सर्स हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल होता क्या है, किस तरह से ये काम करता है, प्रोटोजोआ को कैसे किल करता है, उसका हमने मैकोफेक्शन पढ़ा और उसके बारे में इसमें पढ़ा कि किस तरह के एडवर्स साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। देन इंटरेक्शन, किन ड्रग्स के साथ ये इंटरेक्ट होके उसकी जो एक्टिविटी है मेट्रोनिडाजोल की एक्टिविटी को कम कर देता है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए और किन केसेस में कॉन्ट्राइंडिकेशन मीन्स किन केसेस में इसको नहीं दिया जाना चाहिए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी में, थेरापेटिक यूजेस एमीबियासिस के ट्रीटमेंट में, ट्राइकोमोनासिस के ट्रीटमेंट में, जियार्डियासिस के ट्रीटमेंट में एंड पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में। सो दिस इज अबाउट द मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट लेक्चर में बेटे हम प्रोसीड करेंगे अबाउट द नेक्स्ट ड्रग ऑफ द एंटी प्रोटोजोल। एंटी प्रोटोजोल की अगली ड्रग के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।